फैमिली, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट में ऑनलाइन स्टडी सेंटर। सो आज का जो हमारा क्लास होगा, इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ पार्ट्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और अगर आप कोई भी चीज़ की तैयारी करते हो उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी एग्ज़ाम यहाँ अच्छे नहीं कर पाते, ठीक है। और भले आप स्पोकन करते हो तो स्पोकन में आपका नाम का या मतलब कि पास ऑफ स्पीच का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होते हैं, बट आप अगर कोई, मैंने बोला कि कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें आपको पास ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बिना टाइम कमाए हुए अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट होगा पास ऑफ स्पीच का जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा होगा नाउन, ठीक है, संज्ञा, आई मीन नाउन और संज्ञा, क्योंकि हम लोग आज पूरे एकदम लो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट आज हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग देखना है कि नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है और उनकी एग्जांपल क्या होता है, क्योंकि आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें नाउन की डिफिनेशन या कोई उसके काइंड्स की डिफिनेशन उतने मायने नहीं रखते हैं जितने कि आपको उसकी एग्जाम्पल मायने होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक्स पे चलते हैं, नाउन। तो पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि भाई नाउन क्या है, नाउन होता क्या है, नाउन किसे कहते हैं, नहीं संज्ञा किसे कहते हैं, ओके। तो मैंने बताया यहाँ पे जो डिफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, ठीक है। मतलब हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि दुनिया संसार में हम लोग जितने भी सारे वस्तु देखते हैं, ठीक है, या जो कुछ भी हम लोग देखते हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। बिना नाम का ऐसा कोई चीज नहीं होता है, मतलब सभी चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है, ओके। इसे मैंने यहाँ पे एक और भी बताया, इसका डेफिनेशन नाउन इज नेमिंग वर्ड, मतलब क्या हम लोग इसको नाम, सिंपल सी बात है, किसी भी नाम को हम लोग क्या कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं। आप कोई भी दुनिया में ऐसी वस्तु या कोई भी चीज को सोचो, क्या उसका कुछ ऐसा है जिसका नाम नहीं है, चलो ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर है, मार्कर है, मोबाइल है, लाइट है, कोई लड़का है, मतलब जो भी कुछ है ना सबका क्या है, कुछ ना कुछ नाम है, ओके सर। तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि किसी भी नाम को हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं, आई मीन नाउन, नाउन इज नेम, नेम इज नाउन, ओके। मतलब हम लोग किसी भी नाम को क्या कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं, आई मीन होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, राम, बॉय, पटना, चेयर एक्सेट्रा इत्यादि हम लोग क्या कह सकते हैं, सब क्या है, हमारा नाउन है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि नाउन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ते आ रहे थे, मतलब क्या कि नाउन जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, फाइव, आई मीन यहाँ पे देखा गया टाइप्स ऑफ नाउन। तो मैं यहाँ इसका क्या होता है, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन, ओके। मतलब संज्ञा जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, पांच तरह के होते हैं, कौन, प्रॉपर नाउन, आई मीन जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, प्रॉपर नाउन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन जिसको हम लोग बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड नंबर वो है कॉलेक्टिव नाउन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा, ओके। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो हमारा लास्ट है वो है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ओके। अब क्या हो रहा है कि जब हम लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जब किया गया तो इसको बस अब नाउन थ्री टाइप्स की है, मतलब नाउन को हम लोग थ्री टाइप्स में ही हम डिवाइड करते हैं। तो कौन, मतलब भाई थ्री, ये फाइव, थ्री कहाँ चला गया, ये फाइव जो टाइप था आपको थ्री में कैसे कन्वर्ट हो गए। तो चलो प्रॉपर नाउन मतलब क्या होगा, अभी प्रॉपर नाउन हमें पढ़ना ही होता है, ये क्या, कॉमन नाउन और कॉलेक्टिव नाउन, ये दोनों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ये दोनों नाउन को, इसलिए हम लोग ये दोनों नाउन को मिलाकर क्या बना दिए, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, अंडरस्टैंड। मतलब क्या, कॉमन नाउन और कॉलेक्टिव नाउन को मिलाकर क्या बना दिया गया, काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गणनीय संज्ञा कहते हैं, मतलब जिसको हम लोग गिनते हैं, मतलब जिसको हम लोग काउंट करते हैं वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग क्या, जिसमें क्या रखा गया, कॉमन नाउन और कॉलेक्टिव नाउन को हम लोग किसमें रख दिए, काउंटेबल नाउन। फिर हमारा बच गया मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब ये दोनों को हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब क्या, ये दोनों नाउन को मिलाकर क्या बना दिया गया, मतलब ये दोनों को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये और ये वाला, ठीक है। मतलब क्या, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसके, कौन से बॉक्स में डाल दिया गया, अनकाउंटेबल नाउन, ओके, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। मतलब क्या, अगणनीय संख्या संज्ञा, ओके। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गणनीय संज्ञा, और इसको क्या बोलेंगे, अगणनीय संज्ञा। तो चलिए हम लोग समझ गए कि भाई ये फाइव जो हमारा था इसको हम लोग तीन बॉक्स में कैसे डाल दिए, ओके। तो पहला क्या कि भाई प्रॉपर नाउन इसको कोई बॉक्स में रहेगा, ये प्रॉपर का प्रॉपर ही रहेगा, ठीक है। अब ये कॉमन और कॉलेक्टिव को मैंने एक बॉक्स खरीद के लाया, कौन सा, काउंटेबल नाउन को, और क्या क्या मैंने कॉमन और कलेक्टिव को कौन से बॉक्स में डाल दिया, काउंटेबल नाउन वाले में, ठीक है। फिर हमारा दो और बचा हुआ था, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, फिर इसके लिए मैंने एक और जोड़ा लाया, कौन सा,
अनकाउंटेबल और इसको क्या किया अनकाउंटेबल आर में डाल दिया। ओके तो ये समझ में आया कि फाइव हमारा थ्री कैसे हो गया। ओके अब हम लोग क्या करेंगे इसका एग्जांपल लिखेंगे और इसका डिफिनेशन पहले तो हम क्या तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से सारे मतलब उसके काइंडनेस जो टाइप्स है उसके क्या करते हैं डिफिनेशन देख लेते हैं जो कि बेसिक आपको नॉलेज होने के जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बोला कि इसका एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट होती है बट आप अगर छोटे क्लास में हो तो उनमें आपको डिफिनेशन थोड़ा जानना जरूरी होता है आपके नॉलेज के लिए डिफिनेशन बहुत ही थोड़ा जरूरी तो हो ही जाता है। ठीक है चलिए हम लोग क्या देखते हैं इसका डिफिनेशन देखते हैं। ओके पहले हमारा प्रॉपर नाम प्रॉपर का मतलब ये होता है कि खास। ठीक है मतलब जिससे अगर मैं क्या करूं कि अगर कोई चीज का मैं नाम ले रहा हूं और उसका एग्जैक्ट मतलब वही होगा जैसे मैं बोलूं कि राम। ओके मैंने बोला विकास मैंने बोला सूरज अब ये क्या मतलब कि मैं अगर बोलूं कि विकास इसका मतलब क्या कि विकास एग्जैक्ट मेरे माइंड में उसका इमेज बन गया कि हाँ विकास। लेकिन मैं बोलूं कि अच्छा लड़का अब ये लड़का बोलूं तो कौन सा लड़का बहुत सारे लड़के होते हैं तो उसका एग्जैक्ट मेरे पास इमेज नहीं बनता। मैं बोला क्या पटना अब चलो मैं पटना का भी गया था मेरे पटना अच्छा पटना का इमेज बन गया अच्छा पटना ऐसा है वैसा है नहीं तो मतलब क्या हुआ कि मेरे माइंड में उसका इमेज बन गया। लेकिन मैं बोला कि शहर भाई कौन से शहर तो पता तो नहीं चला था ऐसे। ठीक है तो चलिए हम लोग डिफिनेशन पे आते हैं फिर बाद में इसकी मतलब आइडेंटिफिकेशन में पैच कर लेंगे हम लोग। ओके तो हमारा प्रॉपर नाउन डिफिनेशन इसका मैंने लिखा द नाउन विच डिनोट्स। ओके द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है मतलब क्या कि वैसी संज्ञा जो क्या करे किसी प्रॉपर यानी किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान को डिनोट करता है सूचित करता है उस सारे अनुसार हम क्या कहेंगे प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है खास कहने मतलब सिंपल बताया कि खास का मतलब ये होता है जिसका माइंड में आपका इमेज जैसे मैं उसका नाम लूं आपके माइंड में उसका क्या होना चाहिए इमेज बन जाना चाहिए। ओके चलिए एग्जांपल देखता हूं मैंने बोला राम अब राम बोलूंगा इसका क्या मतलब कि राम का मैंने मतलब किसी भी लड़का जो राम होगा आपके माइंड में क्या होगा राम का इमेज बन जाएगी अच्छा कि राम वो है। ठीक है मैंने बोला पटना फिर मैं वही एग्जांपल भी बता रहा हूँ कि पटना फिर मेरे अंदर क्या हो जाएगा कि हाँ भाई पटना चलो इसका इमेज ऐसा उसके बारे में हमें कुछ फीलिंग यानी सोचा जाएगा। फिर मैंने बोला यहाँ पे ZX1 जो कि एक फोन का नाम है एक मोबाइल का नाम है। ओके नेक्स्ट है हमारा इंडिया। ओके अब इंडिया फिर क्या है चेयर अब बहुत सारे फर्नीचर में मैंने बोला कि चेयर तो चेयर क्या हो जाएगा एक प्रॉपर नाम हो जाएगा खास एक मतलब क्या फर्नीचर का नाम है। ओके तो ये सब क्या हो जाएगा किसका एग्जाम्पल हो गया प्रॉपर तो मैंने बताया प्रॉपर को कि किसी भी खास को हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉपर बोलेंगे प्रॉपर नाउन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉमन नाउन कॉमन का मतलब होता है जाति। ओके मतलब क्या होता है जाति। ओके तो मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया द नाउन इज डिनोट्स क्लास ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है मतलब क्या द नाउन इज डिनोट्स क्लास ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग मतलब क्या कि वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान जाति का क्या कहता है उसके जाति का बोध कराता है क्या कराता है उसके जाति का। अब जैसे मैंने बॉय बोला आई मीन लड़का अब ये मैं लड़का बोल रहा हूँ ये क्या हो रहा है इसका मतलब ये पूरे लड़का जाति का बोध हो गया। मैंने बोला कि लड़का जैसे मैं सिंपल बोलूँ कि लड़के खड़े हो जाओ इसका मतलब क्या कौन से लड़के खड़े होंगे जितने लड़के होंगे सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट है हमारा सिटी मैं सिटी में रहता हूँ इसका मतलब क्या इसे एग्जैक्ट सिटी यानी किसी शहर का नाम पता नहीं चल रहा है सो क्या हो जाएगा ये कॉमन मतलब ये पूरे सिटी यानी पूरे शहर जाति का बोध करा देता है तो ये क्या हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फोन यानी मोबाइल। ओके अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे मैं मोबाइल रखता हूँ कौन सा मोबाइल रखता हूँ हो सकता है सैमसंग हो नोकिया हो वीवो हो ओप्पो बहुत सारे हैं। अब ओप्पो वीवो में भी क्या होता है टाइप्स तो भी क्या होगा ये मोबाइल कहने का मतलब बहुत सारे मतलब पूरे मोबाइल जाति का बोध हो गए तो क्या हो जाएगा ये कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर कंट्री फिर मैं कहूँ कि मैं कंट्री में रहता हूँ कौन से कंट्री में रहते हैं कोई पता नहीं चल रहा है एग्जैक्ट इसका इमेज नहीं बन रहा है तो क्या हो जाएगा ये कॉमन नाउन। ठीक है तो आई होप ये दोनों बहुत ही आसान है और समझ में आ गए मतलब जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन और जिससे हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा किसी खास नाम नहीं रहेगा वो हो जाएगा कॉमन नाउन। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन में तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है कलेक्टिव नाउन आई मीन कलेक्टिव समूहवाचक। ठीक है समूहवाचक आई मीन लगता है क्या कि ग्रुप आई मीन समूह। ठीक है मतलब क्या होता है समूह जब भी बनेगा उसमें क्या होगा मोर देन टू वन या टू जो भी हम लोग बोले मतलब क्या होगा उसमें एक या दो से अधिक लोग जब रहेंगे या कोई भी चीज रहेगा तभी उसका ग्रुप हो सकता है। ठीक है अब क्या मतलब तो अकेला कोई ग्रुप बना सकता है क्या नहीं यहाँ तक आप व्हाट्सएप भी चलाते हो उसमें भी क्या होता है कि कहता है व्हाट्सएप भी बोलता है कि आप कम से कम दो आदमी को ऐड करो तभी ग्रुप बनेगा नहीं तो ग्रुप नहीं बनेगा। नहीं तो ग्रुप का मतलब ये होता है क्या कि उसमें मोर देन वन पर्सन होना चाहिए मतलब एक से अधिक आदमी होना चाहिए या कोई भी चीज भी होना चाहिए तभी किसी चीज का ग्रुप होगा। ओके तो इसका कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन जो है बोला गया द नाउन इज डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग मतलब क्या किसी व्यक्ति जगह या जो वस्तु होगा उसके ग्रुप यानी समूह को ही हम लोग क्या कहेंगे समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। ओके यानी कलेक्टिव नाउन बोलेंगे जैसे हमारा है पीपल। अब पीपल क्या होगा ये क्या होता है ग्रुप ऑफ पर्सन होता है मतलब क्या होता है इसमें पुरुषों के मतलब जो भी होंगे लोगों का जो भीड़ होगा वही होगा ना फिर क्या है क्राउड। अभी क्या होता है इसमें
वीर जो होगा वीर कब बनेगी, जब लोगों की बहुत सारे ग्रुप होंगे तब क्या बन जाएगा, वीर बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ पीपल जो होगा ये, फिर आर्मी। अब आर्मी कहने का मतलब ये जो क्या होगा, ये होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, मतलब अगर कोई एक, मतलब क्या, अगर कोई एक सोल्जर रहेगा तो वो क्या हो सकता है, आर्मी नहीं कहलाएगा। ओके, जब क्या होगा, जब उसका ग्रुप होगा, मतलब सोल्जर का जब ग्रुप होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्मी बोलेंगे। फिर क्या होगा, क्लास। अब क्या, क्लास कहने का मतलब क्या, कि अगर कोई, जैसे मैं अगर पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, अगर अकेला है वहां पे तो क्या वो क्लास हो सकता है, नहीं। वहां पे क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, आई मीन क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का एक समूह होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो क्लास हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, सिंपल है, ग्रुप सिंपल याद रखना, क्या होगा, ये ग्रुप को मतलब डिनोट्स करता है। ओके, कलेक्टिव नाउन क्या करेगा, ग्रुप को डिनोट्स करेगा। नेक्स्ट हमारा है मैटेरियल नाउन, इसके नाम से लग रहा है मैटेरियल, मैटेरियल मतलब क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, मतलब बताएगा कि मैटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अब मेटेरियल, मतलब क्या होगा, जो क्या कह रहा है वो मेटेरियल नाम क्या करता है, किसी मेटेरियल के नाम को क्या करता है, ये डिनोट्स करता है, किसी मेटेरियल को डिनोट्स करता है। जैसे हमारा गोल्ड है, गोल्ड क्या है, एक मेटेरियल है। कॉपर क्या है, मेटेरियल है, वुड लकड़ियां, और यहाँ तक पत्थर भी हुए क्या है, मेटेरियल है। तो समझ में आ गया मतलब क्या मेटेरियल नाउन जो हमारा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इसमें हम लोग मतलब बताएगा, एब्स्ट्रैक्ट आई मीन भाव, भाव का मतलब क्या होता है, सिंपल से हम समझ लेते हैं कि हम लोग जो बने हुए हैं, हमारे अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मतलब क्या, कि जो हमारे फीलिंग है, सॉफ्टवेयर का मतलब यही होता है ना, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो अंदर डाला, जैसे जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, छू नहीं कर, मतलब छू नहीं सकते, क्या कर सकते, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको वर्क कर सकते हैं, नहीं। तो वही तरह हमारे अंदर जितने भी फीलिंग होते हैं, जो भी फीलिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल है, ऑनेस्टी है, लव है, हेट है, फीलिंग है, या चाइल्डहुड है, तो ये सब हमारे अंदर की सॉफ्टवेयर है। एक तरह से देखा जाए तो क्या है, हमारे अंदर की सॉफ्टवेयर है। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होंगे सब क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। बोला गया द नाउन विच वी कैन नॉट सी टच और हियर ओनली फील, ठीक है, मतलब जो भी संज्ञा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, और नहीं उसको सुन सकते हैं, सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ओके, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे जो देशरा दिया गया, ऑनेस्टी, लव, हेट, फीलिंग और चाइल्डहुड। ओके, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इसका मतलब क्या, कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, या मैं सभी एक बार सभी को एग्जांपल के जरिए फिर क्या करता हूँ, समझाता हूँ। ओके ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन को अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस से क्या करना है, हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है, और फिर ये बताना है कि ये जो नाउन है वो किस, मतलब कौन सा टाइप्स है। ओके, मतलब ये नाउन का कौन सा भेद है। ओके, तो पहला हमारा जो सेंटेंस है, सीता यूजर्स मोबाइल। ओके, अब यहाँ पे लग रहा है सीता, इसमें नाउन कौन होगा, सीता। चलिए सीता क्या हो जाएगा, नाउन है। ओके, सीता जो है क्या है, नाउन है, मैं ऊपर ही बताता हूँ, सीता क्या हो जाएगा, सीता नाम है। यूजर्स ये नाम होगा क्या, नहीं, वही बॉर्डर है। फिर मोबाइल, मोबाइल भी क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे नाउन हमारा दो चीज हुआ, मतलब दो, एक सीता और एक मोबाइल। अभी सीता कौन सी नाउन है, तो सीता बोलते ही हमें क्या लग रहा है, कोई सीता, जैसे पूरे क्लास चल रहा है या पूरे लड़की की झुंड है, और मैं बोलूँ सीता तो क्या होगा, सीता ही। या मैं सीता का स्पेशल कोई हमारे नाम पता चल गया कि सीता, तो नाम जब पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन। ओके, और ये हमारा क्या, मोबाइल, मैंने बोला कि मेरे पास मोबाइल है, या सीता मोबाइल चलाती है, कौन सी मोबाइल चलाती है, हो सकती है वो सैमसंग चलाती हो सकता है वो नोकिया है, तो क्या होगा, तो इसलिए क्या, इससे कोई पता नहीं, मोबाइल की पूरे जाति का बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगी। ओके, तो समझ में आया कि सीता क्या हो गई, प्रॉपर, और मोबाइल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट हमारा विकास इज ड्राइविंग द व्हीकल, अब ये क्या हो गई, विकास, विकास, हाँ ये तो नाउन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकास, ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस में क्या होगा, विकास होगा, वो नाउन हो गया विकास। फिर क्या होगा, इज नाउन होता है, नाउन होगा, नहीं होगा, ड्राइविंग नहीं होगा, द नहीं होगा, व्हीकल ये हो जाएगा। अब ये चलिए देखते हैं, ये दो नाउन हमें मिला, अब ये कौन से नाम है, तो विकास, फिर जैसे हम लोग विकास बोले तो क्या हुआ, विकास का एक इमेज, मतलब एक खास लड़के का नाम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे व्हीकल, अब व्हीकल कहने का मतलब क्या, कौन सा व्हीकल, अब कौन सा गाड़ी, हो सकता है हमारे पास कार हो, ठीक है, अब कार वाला नहीं हो सकते हो क्या, टाटा हो, सुमो, मतलब नैनो, कुछ भी हो सकते हैं, तो ये तो खास नाम नहीं पता चलता। फिर यहाँ पे क्या, पूरे ट्रैफिक, आई मीन पूरे जाति का बोध करा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा टीम विल विन द मैच। ओके, अब ये टीम, टीम जैसे हमने देखे कि टीम होता है, तो टीम हमारा क्या हो जाएगा, टीम हो जाएगा एक, और एक हमारा क्या बन जाएगा, विल तो होगा नहीं, विन नहीं होगा, द नहीं होगा, मैच, मैच होगा।
मैच होगा ओके। अब फिर देखते हैं टीम कौन सा नाउन है, तो टीम जस्ट हम लोग देखे क्या है, टीम क्या होता है, कॉलेक्टिव नाउन होता है, तो क्या होगा ये कॉलेक्टिव, क्योंकि प्लेयर बहुत सारे प्लेयर होंगे, प्लेयर के लिए हम लोग क्या कहते हैं ग्रुप प्लेयर के बनेगा, तो क्या होगा ये टीम बनता है, तो ये क्या बन जाएगा कॉलेक्टिव नाउन, क्या हो जाएगा ये कॉलेक्टिव नाउन हो जाएगा। और ये जो हमारा है क्या है मैच, अब ये मैच कहने का मतलब कौन सा मैच, अब मैच तो बहुत तरीके के होते हैं क्या, तो मैच तो यहाँ पर फिर यहाँ पता नहीं चला, तो ये फिर क्या हो जाएगा ये कॉमन नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएंगे ओके। नेक्स्ट है हमारा वाटरमेलन किल ट्रस्ट, ठीक है तरबूज हमारी जो प्यास को होती है क्या कि बुझाती है, तो ऐसा कुछ ये सेंटेंस है, तो वाटरमेलन, अब मैं कहूँ कि वाटर, अभी मैं एक और एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ क्या, कि मैं बोलूँ कि आप फ्रूट लेकर आओ, अब कौन से फ्रूट लाओगे, आपके पास बहुत सारा है फ्रूट की दुकान में, तो बहुत सारे फ्रूट लाकर ले आओगे, लेकिन मैं बोला स्पेशल कि सिर्फ वाटरमेलन ही चाहिए, हमें सिर्फ मैंगो ही चाहिए, मतलब क्या किसी खास फल का नाम मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब किसी चीज का नाम खास बताया जाएगा तो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाम, तो वाटरमेलन हमारा क्या हो जाएगा ये मैं करूँगा यहाँ पे, तो ये प्रॉपर नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, वाटरमेलन क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ये खास फ्रूट का नाम मैं बता रहा हूँ, एक प्रॉपर ये है। और ट्रस्ट मैंने बोला कि जो हमारी फीलिंग होती है, अब प्यास हमारी फीलिंग होती है ना, तो क्या होगा हमारे अंदर की सॉफ्टवेयर है ना, तो क्या हो जाएगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे ओके। नेक्स्ट है राधा इज गोइंग टू पटना, अब राधा चलो नाम तो है, राधा किसी लड़की का नाम है, इज होगा नहीं होगा, गोइंग होगा नहीं होगा, टू होगा ये भी नहीं होगा, पटना हाँ ये पटना भी नाम है, मतलब ये भी नाम और ये भी नाम, अब ये राधा से पता चला किसी खास लड़की का नाम है, तो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन ओके। और ये पटना भी क्या लग रहा है किसी खास शहर का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन ओके। तो आई होप कि आपको ये डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, और इसका क्या आप लोग काइंड कैसे हम लोग पता करेंगे कौन से नाउन, कौन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, ये जो हमें पहचानना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। सो इसलिए मैं अभी कुछ एग्जांपल देता हूँ, जो कि आप लोग की आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जिसको आप सॉल्व कीजिए, और क्या होगा अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं फिर अगले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकूँ ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आज के लिए बस डेट्स ऑल, तो आज थैंक यू।